सीएम पद को लेकर योगी और केशव मेरार, शर्मा जी होंगे भविष्य में यूपी के सरदार। चुनाव से पहले मंच से ऐलान, भाजपाइयों का जीवन एके शर्मा के लिए कुर्बान। जी हाँ, जो सवाल 2017 में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जनता के मन में था, अब वही सवाल 2022 चुनाव से पहले जनता के दिमाग में चलने लगा है। सवाल है, भाजपा की जीत के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। 2017 में जीत के बाद कई नाम मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में थे, जिनमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सबसे प्रबल दावेदार थे, किंतु अंत समय में केशव के नाम को दरकिनार कर मोदी और शाह ने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को सूबे की कमान सौंप दी। योगी सीएम बन गए तो केशव को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन योगी और केशव के बीच जो लकीर 2017 में खिंच गई थी वो 2022 में भी दिख रही है। दोनों की अपनी अपनी लॉबी है जो समय समय पर आमने सामने खड़ी हो जाती है। 2022 चुनाव में भी दोनों लॉबियां अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है, लेकिन चुनाव से पहले ही भाजपा में तीसरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी आ चुका है। भाजपा का एक गुट खुले मंच से उसे मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान कर चुका है। जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। सुना आपने, ये सभा यूपी के मऊ जिले में लगी है। मंच पर मोदी के खास एके शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी कोई आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि मऊ से भाजपा सांसद रहे हरि नारायण राजभर कर रहे हैं। हरि नारायण राजभर के ऐलान पर एके शर्मा लोगों का अभिवादन भी करते नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि एके शर्मा सूबे की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एके शर्मा इस समय भाजपा से एमएलसी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। शर्मा जी एक ज़माने में प्रधानमंत्री मोदी के नवरत्न अधिकारियों में हुआ करते थे। शायद यही कारण भी रहा कि मोदी के कहने पर उन्होंने वीआरएस लेकर सियासत में कदम रखा। एके शर्मा की यूपी की सियासत में एंट्री से भाजपा में खलबली मच गई थी। माना जा रहा था कि एके शर्मा को भाजपा योगी सरकार चलाने के लिए भेज रही है, पर योगी आदित्यनाथ ने एके शर्मा को सियासत के भंवर में फंसा दिया। लेकिन चुनाव नज़दीक आने पर एक बार फिर वो यूपी में सबसे पावरफुल बनने के लिए अपनी टीम बना रहे हैं। उनके अभिवादन करने के तरीके से ये लगता है कि उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद बना हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का ऐलान किया है कि 2022 का चुनाव भाजपा सीएम योगी के चेहरे पर लड़ेगी, लेकिन बावजूद इस ऐलान के ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद सीएम योगी को पद से हटाने के प्लान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।